नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव निर्वाचन को लेकर SW24 न्यूज के खास कार्यक्रम फैसला हम करेंगे में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। कुछ ही घंटों बाद मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर सामने आ जाएगी, किस दल को सत्ता मिल रही है और कौन विपक्ष में बैठेगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार है और उस इंतजार के बीच जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो संभावना व्यक्त की जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा, उन्हीं संभावनाओं को लेकर भी आज स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ समाजसेवी और संघ के काफी नजदीकी से जुड़े हुए ओम प्रकाश जी पाटीदार। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो कि सांसद का चुनाव भी खरगोन विधानसभा सीट से लड़ चुके हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह गुजालदा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। दूसरी बार डॉक्टर साहब हमारे साथ चर्चा में यहाँ मौजूद हैं और समय समय पर स्टूडियो में वो आते रहते हैं। मैं सबसे पहले ओम प्रकाश जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं मध्य प्रदेश के, उससे तो भाजपा की बल्ले बल्ले हो रही है, क्या क्या लग रहा है और क्या कारण है कि जो एग्जिट पोल है भाजपा को प्लस बता रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल का प्लस एक ट्रेंड बताने का समझ सकते हैं उसको, कि मध्य प्रदेश में भाजपा के साथ मोमेंटम कुछ समय पहले तक ऐसा लगता था कि कांग्रेस यहाँ पर थोड़ा सा आगे है, लेकिन पिछले 2-3 महीने में कुछ ऐसा बदलाव आया है, बहुत सारी उसमें एक लाडली बहना योजना को भी ले ले, और वापिस से जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोगों के बीच में पिछले जो रिकॉर्ड है उसको भी देखने का एक नजदीक आते आते, तो वो जब देखते हैं तो 2003 के पहले तक दिग्विजय सिंह की जो सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार के काल में जो अव्यवस्थाएं पूरे देश पूरे प्रदेश में थी, उसमें बिजली, सड़क, पानी, ये सामान्य मूलभूत सुविधाओं का भी बड़ा संकट था, उसको जब याद कर लेते हैं, और फिर उसके बाद 15 महीने सरकार कांग्रेस की आई थी, उन 15 महीनों में कमलनाथ जी सरकार के मुखिया जरूर थे, लेकिन लोगों ने देखा कि सरकार तो दिग्विजय सिंह ही चला रहे हैं जी। अब वो पीछे से दिग्विजय सिंह जी चला रहे हैं, तो लोगों को फिर वापिस से जब उस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि आगे भी ऐसा ही होगा कि दिग्विजय सिंह ही सरकार चलाएंगे, और निश्चित रूप से कांग्रेस का 2-3 कारणों से कि भाई उनके समय की अव्यवस्थाएं, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस जब सरकार में आती है तो कांग्रेस सरकार चला मतलब सरकार में एंजॉय करने के लिए आती, उसका एक विजन नहीं दिखता है कि वो क्या करना चाहते हैं, तो इसी वजह से लोगों ने मनोभाव को धीरे धीरे सेटल किया, और ये लगभग पक्का है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार अच्छे बहुमत से आई। ओम जी, आप बोल रहे हैं कि विकास की बात एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि जो रोड मैप है, कांग्रेस अपना विकास का रोड मैप आम जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई। हाँ। उसका फायदा भाजपा को मिलेगा, लेकिन भाजपा ने भी जो विकास के मुद्दे को एक तरफ रख के सनातन वो भी जो कर्नाटक और आंध्र के जो बयान थे उनको लेकर, कभी कभी क्या होता है चुनावी माहौल में कोई ना कोई विषय ऐसा निकल के आ जाता है, उस विषय को आम जनता भी और कार्यकर्ता भी उसको कहीं ना कहीं ऊपर उठा लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि विकास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विकास मुद्दा है जो फ्रंट पर है। जैसे आप देखेंगे 2003 के पहले लोगों का संघर्ष मैंने जो बताया कि मूलभूत चीजों के लिए था, लेकिन आज देश प्रदेश में 3 लाख से अधिक किलोमीटर की सड़कें हैं, प्रदेश में 27,000 मेगावाट से अधिक का बिजली उत्पादन है, और सारी चीजें इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, कृषि की ग्रोथ में, हर चीज में प्रदेश लीड कर रहा है, तो इसको जब वो विचार करते हैं तो समझ में आता है कि ये बदलाव अचानक नहीं आए, इस बदलाव को लाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा है, और वो कठिन परिश्रम का ही परिणाम है कि जनता वापिस से, जैसे पिछली बार यदि सरकार गई भी थी 2018 में आप देखें तो सर ऐसा गुस्सा नहीं दिखा लोगों का, क्योंकि 109 सीटें दी थी और कांग्रेस को दी थी 114 सीटें। अब लेकिन वहां पे वो देवयोग से ऐसा हुआ और वो देवयोग का फायदा वापिस से भाजपा को मिला भी, वो वापिस सरकार आई, अब लोग कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मतलब इसमें भी आप धर्म को ही मानते हैं, देवयोग मतदाताओं का कोई रोल इसमें रहा नहीं, देवयोग देवी योग देवी घटना, मतलब अच्छा, उसको तो डिवाइन यदि कहे तो एक, उसको वर्ल्ड जान एक प्रकोप मान लिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं
भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में, ज्यादातर एग्जिट पोल बता रहे हैं, कुछ नेक टू नेक टक्कर भी बता रहे हैं, आप कांग्रेस के खरगोन जिले में जो चुनावी रणनीति बनी उसके मुख्य रणनीतिकारों में शामिल हैं, क्या लगता है आपको ये एग्जिट पोल के जो दावे हैं ये कितना सच बयां कर रहे हैं, और कांग्रेस का इस दावा क्या है? आप लोगों ने भी एनालिसिस किया होगा, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है? दावे ठीक है, एग्जिट पोल आते हैं, कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उसको अपन फाइनली मान ले। हमारा जो आकलन है उसके हिसाब से ये एग्जिट पोल थोड़े गलत हैं जी, क्योंकि जो हमारी जो चुनाव लड़ने की रणनीति थी और जो हमने एजेंडा बनाया था हमारा, जो पब्लिक के बीच में गए थे हमारा वचन पत्र लेकर, तो हर तरफ से पब्लिक खुश थी और आप हर जगह जाएं तो पब्लिक का काफ़ी ऐसा रुझान मिला, उसके हिसाब से हम इससे खुश नहीं हैं और इसको मानते भी नहीं हैं। हम 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और जो हमारा जो चलता था, अभी जैसे भाई साहब ने बोला कि 1.5 साल कांग्रेस का जो था उसमें, और दूसरी बात बिजली की बात आई, ठीक है कि धीरे धीरे विकास होता है, पहले कमजोर रोड थे थोड़ी निश्चित ही, अब इतने साल में रोड बढ़ेंगे स्वाभाविक है, हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, साथ ही इनको 20 साल हो गए शासन में, तो जो लड़का अभी मतदान के लिए आया है, बल्कि जो आज 9 साल का था, अब तो 30 साल के आसपास के बच्चों को कांग्रेस शासन देखा नहीं बराबर, तो क्या कांग्रेस करती थी इसके बारे में नहीं बराबर जानकारी। बिजली की बात करें, जैसे भाई साहब ने बोला है, तो बिजली के जितने उपकरण जो बनाने की फैक्ट्रियां है, क्या बोलते हैं अपना पावर हाउस, वो कांग्रेस ने बनाया है, ठीक है ना। अब कांग्रेस ने बनाया और इस बीच में सरकार में भाजपा आ गई तो भाजपा उसका फायदा ले रही है, इसी तरह से कॉलेजेस पूरे बनाए कांग्रेस ने बनाए, इसी तरह से एकलव्य स्कूल वगैरह ये सब जितने आए हैं, जो भी स्कूलें बड़ी बनी है ये कांग्रेस ने बनाया, IIT IIM वगैरह जो कांग्रेस ने बनाए थे वही आज आगे चल रहे हैं, इसरो वगैरह की बात करें तो भी, तो इनऑल टोटल जितना देखो आप, तो उसके हिसाब से क्या अब प्रोसेस चल रही थी, तो उसको हम तो लोग भुना नहीं पाए पहले, शायद इसलिए हार गए थे। और राजा साहब की बात करते दिग्विजय सिंह जी की, वो भी कई इतने वो नहीं थे, वो भी इस मामले में जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जैसे राहुल जी के खिलाफ लोगों दिमाग में बिठा दी बातें, वो थोड़ी बहुत कहीं असर कर रही, लेकिन हमारा जो तरीका था जाने का पब्लिक के बीच में, उसके हिसाब से हम इससे बिल्कुल ये सहमत नहीं है और सरकार हमारी बनेगी, लगभग मान के चलो कि 125 से 30 के आसपास सीटें आना है। और खरगोन की बात करें तो खरगोन में भी इतना एक व्यक्ति कैसा चाहिए पब्लिक को, जैसे हमारे यहाँ रवि भाई की बात करें, हर एक को नाम से जानते हैं, इजी अप्रोचेबल, 24 घंटे उपलब्ध, आपको हर तरह से काम करने के लिए तैयार, तो ये कैसा व्यक्ति चाहिए उसके हिसाब से देखें, तो आसपास दूसरे क्षेत्र में देखें, हर एक व्यक्ति हमारा इजी अप्रोचेबल है, उसके हिसाब से हमारी सभी सीटें आने की संभावना बन रही है और जो पब्लिक का रुझान है वो हमारे फेवर में जा रहा है और ये जो एग्जिट पोल को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा बयान दिग्विजय सिंह जी का कि उनके महती भूमिका होगी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो, लेकिन पूरे देश में देखा गया है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह, इनके बयानों से एक जो विरोधाभास पैदा होता है, जो विरोधाभासी बयान है, उससे हिंदू मुस्लिम वाली एक जो खाई है वो बढ़ती है, तो इसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को मिलता है, ये अलग बात है, सही बात बोला आपने। इस बार वैसे उनने ऐसे कोई बयान दिए नहीं है, लेकिन खरगोन में कुछ ऐसे बयान दिए गए कांग्रेस की तरफ से, कुछ ऐसी एक्टिविटियां हुई जो राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा में आई। रवि जोशी को एंटी हिंदू बताते हैं, जो सबसे बड़े धार्मिक प्रोग्राम यहाँ करता है खरगोन में, इतने बड़ा गंगा जल को यहाँ लाके वितरित करता है, तो बीच में चली के हमास को लेकर के उन्होंने वो 2 मिनट के मौन वगैरह इन चीजों की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पे हुई। बिल्कुल सही हुई है, हमास के फेवर में तो कोई नहीं जा सकता, एक सिंपल सी बात है, लेकिन आप उसको भी फिलिस्तीन के जो लोग फिलिस्तीन का भी, हाँ हमारे मोदी जी ने उनके लिए राशन पहुंचाया है ना, तो एक मानवता के हिसाब से साथ में रहना पड़ेगा। यदि इसराइल ने इतना अभी इतना ज्यादा जो अत्याचार कर रखा है, आप देखो गाजा पट्टी क्या कंडीशन करके रख दी है, तो कुछ तो उनके फेवर में बोलना पड़ेगा पब्लिक के, इसमें ऐसा नहीं कि वो अब हमारे दिग्विजय सिंह जी नर्मदा परिक्रमा किसी ने पैदल नहीं घूम के की होगी, इतना बड़ा धार्मिक आदमी, उसको भी आप नहीं मानोगे तो क्या करेंगे, हमारे पास दिखावा नहीं है, ओरिजिनलिटी है। और ये लोग क्या करते हैं, भाजपा जो अपना प्रचार करती है वो थोड़ा सा दिखावा कर लेती है, उनका प्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो पब्लिक के बीच में ऐसा जाता है कि नहीं यही ये धार्मिक है, जबकि आप किसी भी नेता को हमारे अजमा लीजिए, ज्यादा बेहतर मतलब ज्यादा धार्मिक काम करते हैं,
ये चीजें हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की ही सरकार बिल्कुल बनेगी, पक्का। दोनों राजनीतिक दल के जो भी हमारे पास यहाँ पे वरिष्ठ विश्लेषक नेता मौजूद हैं, वो ये साफ दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में उन्हीं की सरकार आएगी। लेकिन हम खरगोन जिले की ओर आते हैं अब लौट करके। खरगोन जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, अगर हम लोकसभा क्षेत्र देखें तो कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, माफ कीजिए 8 विधानसभा सीटें हैं। क्या कारण है कि पिछली बार भाजपा को यहां से एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और जिसके कारण से उनकी प्रदेश में जो सरकार बनती थी उसमें जो संख्या, जो भागीदारी निमाड़ की होती थी, जो खरगोन जिले की होती थी, वो 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी और उसको कवर करने के लिए, उस डेंट को धोने के लिए भाजपा ने इस बार क्या क्या किया? उसको ऐसा भी नहीं कहेंगे कि तब बहुत बड़ी नाराजगी लोगों में थी। मैंने कहा ना पहले कि बहुत बड़ी नाराजगी मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ 2018 में भी नहीं थी। यदि 2018 में नाराजगी होती तो इतनी नाराजगी होती तो 109 सीटें लेके नहीं आते। कांग्रेस को मात्र 5 सीटें ज्यादा मिली थी। और इधर हम देखें तो निमाड़ में जो हुआ पिछली बार, तो निमाड़ में होने का अन्य अन्य कारण भी थे। उसमें एक कर्ज माफी वाला जो वायदा कर रखा था उसने भी एक काम कर दिया, क्योंकि ये निमाड़ का जो क्षेत्र है इसमें कपास के किसान है, मिर्ची के किसान है, तो वो थोड़ा सा खेती में आदान अधिक लगता है, इसलिए उनको अधिक लोन उनका लिया होता है अपन मालवा या अन्य जगह से कंपेरिजन करें। लेकिन ओम जी, कर्ज माफी इस बार भी कांग्रेस ने कहा है और पुरानी पेंशन जो है उसकी बहाली को लेकर भी उन्होंने कर्मचारियों से वादा किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो दो उन्होंने जो भी वचन पत्र में शामिल की बातें, ये भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी? ये दो मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दा कर्ज माफी वाला मुद्दा तो पिछली बार जो था वो वहां पे फिनिश हो गया है, क्योंकि उसकी वजह ये रही कि जिस जो टाइम लिमिट का उन्होंने वायदा कर रखा था उसमें वो पूरा नहीं कर पाए। 15 महीने सरकार रहने के बाद भी किसानों के कर्ज ठीक तरीके से वो जैसा उन्होंने वादा किया था वैसे माफ नहीं कर पाए। दूसरा ओपीएस वाला जो मामला है, तो ओपीएस के लिए एक मतलब उसके लिए एक कमेटी गठित कर ही दी गई है कि उसपे विचार करने के लिए भाजपा की ओर से, और उसपे विचार करके और कोई एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें कर्मचारियों को भी बड़ा नुकसान न हो और ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम के बीच में कोई ना कोई एक रास्ता ऐसा निकल आएगा जो कर्मचारियों के भी हित में हो, तो उस वो भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा रहा नहीं है। अभी भाजपा का कार्यकर्ता भी और आम मतदाता भी, उनका रुझान भाजपा की तरफ था और वो मोमेंटम जो बना तो उसको उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अच्छा श्रम किया है। और निश्चित रूप से खरगोन की भी 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और जो एग्जिट पोल आए हैं वो भी 2 तरह के आए हैं, लेकिन उन 2 तरह के एग्जिट पोल को मैं तो खारिज करता हूं और निश्चित रूप से खरगोन जिले में 6 की 6 विधानसभा सीट भाजपा जीती। डॉक्टर साहब, आप इस क्षेत्र को अच्छी भली भांति से जानते हैं और राजनीतिक रूप से भी आपने जो एनालिसिस किया है, जो आपने क्षेत्र में विकास और अन्य चीजें देखी है, अब हम इस चीज के लिए क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है खरगोन जिले में, निमाड़ में, इसके लिए हम कांग्रेस या भाजपा को दोषी बराबर बराबर मानते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही हैं और लगातार इन्होंने यहाँ पे शासन किया है। खरगोन जिला हम देखते हैं ना औद्योगिक विकास है यहाँ पे, ना वो एजुकेशनल जो भी यहाँ पे महाविद्यालय वगैरह कॉलेजेस खुलना थे वो व्यवस्था, ना कोचिंग की ऐसी कोई व्यवस्था है यहाँ। तो क्या आप नहीं मानते कि इतने साल बाद भी आज हम अमृत महोत्सव मना रही है भाजपा, कांग्रेस भी दावे करती है, लेकिन आज भी यहाँ का जो मतदाता है, जो नागरिक है, जिसकी अपेक्षाएं थी उन लोगों से, वो आज भी मुंह बाय खड़ा हुआ है? एक्चुअली भी क्या है, कांग्रेस ने नहीं किया ऐसा नहीं बोल सकते, आधार तो तैयार कर रखा था। नहीं, हम इसके लिए दोनों को जिम्मेदार बता, बिल्कुल है, लेकिन कांग्रेस कर रही थी 20 साल तक का सरकार है नहीं हमारी, है ना। 20 साल पहले का जो परमानेंट स्ट्रक्चर देखें आप, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाया था उसको देखें तो काफी कुछ आपको मिलेगा। साथ में 10 साल पहले तक सेंट्रल में गवर्नमेंट थी हमारी, तब ये पावर हाउस वगैरह जो बनाए थे, एकलव्य स्कूल वगैरह जो बनाए थे, तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, आप ये बताइए कि खरगोन जिले में जितने तालाब वगैरह बने हैं सिंचाई के साधन, ये किन ने बनाए? आप उसमें एक सिरे से देख लीजिए,
एक भी तालाब अभी आजकल में नहीं बना है। ये जो नर्मदा का जो सरदार सरोवर भी कांग्रेस की देन थी, है ना, लेकिन अब वो उसको अपलिफ्ट करके लाने का प्लान था कि इतने साल तक इस बीच में सब ले जाना है, वही प्रोसेस चल रही है। तो इनऑल टोटल जो ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन उसको प्रेजेंट करने में तकलीफ गई एक तो, और 20 साल ये निकल गए, ये ज्यादा भारी पड़ गए हैं। नहीं तो अब एक डेढ़ साल के लिए सरकार रही, डेढ़ साल भी नहीं बोलेंगे, एक साल के लिए कमलनाथ की सरकार रही, आप देखें कितना फर्क पड़ गया था उसमें। ये नागलवाड़ी सिंचाई उद्वहन योजना भी उसी इसमें आई थी, साथ में कर्ज माफी भी हो ही रहा था, ठीक है, टाइम लिमिट का रहा सवाल। हमारे मोदी जी ने बोला था कि मेरे को नोटबंदी में सिर्फ 50 दिन का समय दीजिए, इतने दिन हो गए तो भी वहीं कहीं लोग पड़े हैं, तो क्या है थोड़ा हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता। और अभी रोड जितने बन रहे हैं आप, अभी उनका ये औरंगपुरा रोड की बात कर लें, कितना टाइम लिमिट बढ़ते जा रहा है, कॉस्ट बढ़ते जा रही, तो ये चीजें सामान्य बात है। जो कर्ज माफी थी वो भी हो रही थी, बिजली बिल माफ हो चुके थे, महिलाओं को जो कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो पैसे दे रहे थे वो चालू हो गए थे, साथ में जो बुजुर्गों को पेंशन मिल रही थी 300 से 600 वो भी कर दिया था, सब कुछ कर रहे थे। यदि कांग्रेस 5 साल रह जाती तो एक ड्रास्टिक चेंज दिखने को मिलता अपने को, लेकिन वो समस्या ये रही कि सरकार बीच में चली गई, और सरकार भी गई वो कैसे गई सब जानते हैं। यदि मैं बदनाम बेईमान हूं, लेकिन मैं बेईमान बिकने कहां जाऊंगा, यदि आप यदि साथ नहीं देंगे तो, जो साथ देने वाले तैयार थे मतलब मोटिवेट किया, तो ये चक्कर होती ना, तो उसमें लफड़ा हो गया और सरकार चली गई और काम दिखा नहीं पाए। नहीं तो कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा जाके देखो, छिंदवाड़ा माडल यदि देख ले तो आप दंग रह जाएंगे कि कैसे काम किया जाता है, और उसी तर्ज पे चल रहे थे वो, और निश्चित ही होता। विकास को लेकर दोनों पार्टियों के समान दावे हैं, जो नहीं हो सका उसको लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी अभी भी चुनावी सभाओं की तरह ही चल रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता में कौन बैठेगा, अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, और खरगोन जिले की 6 विधानसभा सीटों की स्थिति क्या होगी। अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपने स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर गोविंद सिंह मुजालदा, डॉक्टर माफ कीजिएगा ओम प्रकाश जी पाटीदार, उनसे हम लगातार चर्चा करेंगे खरगोन जिले की बुनियादी सुविधाओं को लेकर, मतदाता इन बुनियादी सुविधाओं की कमी या इनकी उपलब्धि के कारण किस हद तक मतगणना को प्रभावित करेगा, नतीजों में वो देखने को मिलेगा, या कहीं हिंदू मुस्लिम या सनातनी, जो एक कांग्रेस और भाजपा दोनों ने इस बार हिंदुत्व को लेकर मध्य प्रदेश में काफी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल HW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का HW24 न्यूज के खास कार्यक्रम फैसला हम करेंगे में स्वागत है। हमारे बीच स्टूडियो में मतगणना को लेकर चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह मुजालदा और संघ से जुड़े हुए वरिष्ठ समाजसेवी ओम प्रकाश पाटीदार जी। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 6 विधानसभा सीटें हैं खरगोन जिले की, और हम इसलिए इनको इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि पिछली बार भाजपा को सबसे ज्यादा मैंने बताया कि इन्हीं सीटों ने प्रभावित किया, और कांग्रेस को भी जो फायदा दिया निमाड़ मालवा की जो सीटें थी उनमें सबसे ज्यादा, और निमाड़ का इसलिए कि पूरी 6 की 6 विधानसभा की सीटें खरगोन जिले की कांग्रेस के पक्ष में गई थी। ये बात अलग है कि उनके फिर एक विधायक टूट के भाजपा में आ गए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महेश्वर विधानसभा को लेकर, जहां पर कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व विधायक राजकुमार मेयो भाजपा के जो है उनसे मुकाबला है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, क्या होगा इस सीट पर? और उसमें क्या है, मैडम का कंटिन्यू सतत संपर्क रहा है, यही की निवासी है। अब आयातित नेता जो रहते हैं उनको थोड़ा तो फर्क पड़ता है, साथ ही अब वो जो पुराने नेता दूसरे हैं वो भी उनको पसंद नहीं करते हैं, तो जिस तरह से काम करना रहता है वो नहीं करते हैं। इसी के साथ बाकी से आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वहां पे भाजपा में गुटबाजी है? बिल्कुल गुटबाजी है भाजपा में, और जो वहां के जो ट्राइब कम है, लेकिन ट्राइब वगैरह जो है वो टोटली कांग्रेस को सपोर्ट किया इस बार, और आम पब्लिक भी जो घोषणा पत्र था या जो वचन पत्र था उसके हिसाब से कांग्रेस के फेवर में गए हैं, तो उसके हिसाब से कांग्रेस जीत रही वहां पे, और अच्छे मतों से जीत रहे। पिछली बार से 37,000 जीते थे, 37,000 वोटों से, इसी तरह से अभी भी
अच्छे वोटों जीतेंगे। ओम जी, महेश्वर सीट को लेकर डॉक्टर साहब का दावा है कि वहां पर जो जीत का अंतर है वो कांग्रेस का और मजबूत होगा, बढ़ेगा, आपका क्या कहना? नहीं, वो और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे गुटबाजी है, नेता आयती थे, इसको लेकर भी वहां पर बाहरी नेता प्रत्याशी होने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। नहीं, वहां पे क्या हुआ है कि भाजपा ने अपना उम्मीदवार अगस्त में घोषित कर दिया और उससे सारी चीजें ये जो थी इस तरह की वो थोड़ी शिकायतें, नाराजगियां वगैरह, उनको काफी कुछ दूर कर दिया गया है। और वहाँ राजकुमार मेयो जी भी दो बार पहले जीते हैं, उप चुनाव और एक मुख्य चुनाव में, तो उनका भी अच्छा, मतलब उनका उनको लेके भी लोगों में एक अच्छी भावना है और निश्चित रूप से इस बार उनको पार्टी ने टिकट दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है। और सारा जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है और साथ साथ जो अन्य लाभार्थी हैं, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सबके लाभार्थी भी निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि भाजपा की ही सरकार बने और इसलिए भी महेश्वर में भी अन्य सीटों की तरह वैसा ही परिणाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी वहां से विजय। डॉक्टर साहब, एक विधानसभा सीट जो भगवानपुरा है, यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे आपका नाम भी चला था और आपने ये भी कहा था कि पार्टी अगर उचित समझेगी तो मैं लड़ूंगा। वैसे आप यहाँ पे लोकसभा को लेकर अभी भी आपकी जो आप ही का नाम लिया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से आप ही स्वाभाविक रूप से संभावित अगले प्रत्याशी होंगे। भगवानपुरा सीट का आपने काफी गहराई से अध्ययन किया है, उस क्षेत्र में आप आते जाते रहे हैं सक्रिय रूप से। वहां पे जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, पूर्व कांग्रेस के नेता थे, जो फिर से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं, केदार सिंह डाबर, उनका मुकाबला भाजपा के चंदर सिंह वास्कले से है, वहां क्या स्थिति होगी कांग्रेस की? कांग्रेस आदिवासी सीट है, हाँ, कांग्रेस जीत रहे, अब दोनों आदिवासी कैंडिडेट तो हैं ही, कांग्रेस जीत रहे वहां पे भी, क्योंकि चंदर भाई के जो जनपद में रह के जो कुछ भ्रष्टाचार थे वो उजागर हुए थे। केदार भाई निर्दलीय भी रहे और जिला पंचायत में भी रहे, लेकिन उनके पास, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप कभी नहीं लगे, नंबर एक। नंबर दो, जो पहले से केदार भाई जो इतने लोगों में चर्चित थे, जिला पंचायत उधर से भी 7 नंबर से लड़े थे, इधर 8 नंबर से लड़े, तो दो तो जिला पंचायत, तो उनका जो पब्लिक के बीच में अप्रोच है वो तो ज्यादा है, भी लंबे समय से रहे, तो वो उनका फायदा मिलेगा और केदार भाई जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, कांग्रेस जीत रही वहां से, क्योंकि चंद्र भाई एक तो सबदूर सहगांव तरफ उनको कोई ज्यादा जानता नहीं, उसके हिसाब से उधर के वोट नहीं मिल रहा उनको। ओम जी, कांग्रेस का ये कहना है, डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जो सक्रिय रूप से वहां से वहां के आम लोगों से जुड़े हुए हैं और उनके पिता वहां पे पूर्व विधायक रहे, साथ ही वहां पे उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य करवाए हैं, पर एक बार निर्दलीय विधायक भी रहे फिर से कांग्रेस में आए, तो वो सीट कांग्रेस के ही पाले में जाएगी, उनका ये कहना। नहीं, भगवानपुरा विधानसभा का अभी जो पिछले चुनाव से भी उसको कुछ तुलना करने जाते हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पिछली बार एक कांग्रेस के उम्मीदवार अलग थे, भाजपा के उम्मीदवार जो घोषित हुए तो उनका थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और वो एक ही परिवार से थे, इस वजह से एक अचानक से ऐसी कुछ आवाज चल गई और उसकी वजह से इनका मोमेंटम बन गया निर्दलीय खड़े होने के लिए। उसके पहले केदार भाई 2003 और 2008 के चुनाव में वहां से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हारे हैं और इस बार भी कमोबेश वैसी स्थिति है 2008 जैसी, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो पूरी एकजुटता से और लगभग वो 2-3-4 या 5 प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ क्षेत्र है, उसमें एक पहाड़ी क्षेत्र आता है पीपल झोपा और सिरवेल वाला, और ये बीच का जो क्षेत्र आता है भगवानपुरा के आसपास का, इस तरफ नागजीरी, तो सारे क्षेत्रों में अभी ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त के साथ रहेगी और निश्चित रूप से 2008 का परिणाम दोहराया जाए। लेकिन भिकनगांव सीट की हम बात करें तो वहां पे दोनों तरफ से महिला प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक जो दो बार वहां विधायक, दो टर्म से विधायक हैं, श्रीमती झूमा सोलंकी, उनका मुकाबला पराजित प्रत्याशी भाजपा से जो पराजित हो चुकी है नंदा ब्राह्मण है उनसे है। बताया जा रहा है कि इस बार जो नंदा ब्राह्मण है वो भाजपा की ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वहां पर जो झूमा सोलंकी है दो बार से विधायक, उनका बहुत जीवन संपर्क बताया जा रहा है क्षेत्र में, और सबसे जो मजबूत सीट बताई जा रही है वो भिकनगांव ही है जो कांग्रेस जीतेगी।
देखिए अभी जुमा सोलंकी जी पिछले दो बार से विधायक है वहां पर। 2013 में तो नंदा ब्राह्मणी जी उनके सामने चुनाव लड़ी थी और मात्र 2200 वोट से हारी थी। तो इस बार पार्टी ने बहुत सोच समझ के उनको टिकट दिया है और उनको टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और सारे कार्यकर्ता एकजुटता से चुनाव लड़े हैं। और पिछली दो बार में सरकार के जो सरकार है प्रदेश में उसके विरोध उसकी जो विरोधी दल के प्रत्याशी होने की वजह विधायक होने की वजह से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो विधायक पूर्ण नहीं करा पाते हैं। इसी वजह से अब मतदाताओं ने भी मन बना लिया है कि हम उसी पार्टी के विधायक को चुनेंगे जिसकी सरकार आने वाली है। डॉक्टर साहब भिकनगांव सीट पर जो झुमा सोलंकी वहां पे वर्तमान विधायक हैं वो संगठन में भी जिलाध्यक्ष का कार्य कर चुके हैं कांग्रेस में, लेकिन संगठन में वो इतनी सक्रिय नजर नहीं आई जितनी उन्होंने सक्रियता विधायक सत्ता में रहते हुए बताई। क्या लग रहा है आपको, इस बार वो अपनी सीट बचा पाएंगे? बिल्कुल बचा रहे हैं। और आपने जैसे बोला ना कि सबसे सशक्त दावेदारी वो उसी हिसाब से है। उनका विकास देखिए आप, गांव गांव फड़ा फड़ा उनने बिजली के लिए प्रयास किया और पहुंचा दी। उनने कॉलेज खुलवाने के लिए कोशिश की, झिरना में भी कॉलेज खुलवा लिया, एकलव्य स्कूलें खुलवा ली, बड़े बड़े पुल बनाए हैं और जितना भी तमाम IIT की ITI की कॉलेजेस बनवाई है, हॉस्टल और कॉलेज बनवाई और सतत जीवंत संपर्क, एकदम आपने सही बोला है कि पूरा जीवंत संपर्क उनका वहाँ रहा है पब्लिक के साथ में, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ऐसा नहीं कि कोई वाया चलना पड़ता उनको, हर व्यक्ति उनको व्यक्तिगत जानते हैं। और टीम भी पूरी अच्छी खड़ी कर रखी उनने, जब जिला अध्यक्ष थे तब से लगाकर अभी तक, और उनके कार्यकर्ता बहुत सक्षमता से काम कर रहे हैं। और मैं खुद ही गया था, पहाड़ी एरिया पूरा देखा मैंने, इधर भी देखा, मैं खुद बमनाला रह चुका हूँ, मेरे पब्लिक परिचित है, उनसे भी जानकारी लेते हैं, तो कोई झंझट ही नहीं हुआ जितने में। नंदा ब्राह्मण जो है वो मेरी साली भी लगती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मतलब वो इतना संपर्क नहीं थी। मतलब एक तरह से आपके लिए धर्म संकट वाली सीटें भी बिल्कुल है, लेकिन क्या करो, पार्टी की बात होती है और व्यक्ति भी चाहिए। यही बीजेपी सरकार ने झुमा सोलंकी को दोनों कार्यकाल में टॉप विधायक का इनाम दिया है ना, तो जब टॉप विधायक का इनाम दिया बीजेपी ने तो समझ सकते हो कितना। मैंने तो यहाँ तक मांग की थी कि जब आप टॉप विधायक बोल रहे हो तो अच्छे व्यक्ति जाने देना चाहिए, तुम क्यों कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो? हाँ सही आपने बताया, बीजेपी सरकार की उन्होंने तारीफ भी कर दी। नहीं नहीं, बीजेपी सरकार अच्छे व्यक्ति को बोला उसको मान लिया, मैंने भी राजनीति, लेकिन ये स्पष्टवादिता होना चाहिए कि अगर अच्छा काम किया है तो भले विरोधी हो उसका भी सम्मान किया जाए, उसकी भी बड़ाई की जाए, मतलब ज्यादा अच्छा किया तभी तो सम्मान किया। जी जी बिल्कुल, ये शुचिता यही राजनीति में जरूरी है। कसरावद विधानसभा सीट की हम बात करते हैं, सुभाष यादव जैसे दिग्गज नेता की वो का गृह नगर है, उनकी सीट रही है, लेकिन मतदाता जो है उसके निर्णय बदलते रहते हैं। सुभाष यादव भी उस सीट पे हार चुके हैं, लेकिन वर्तमान में उनके जो सुपुत्र हैं पूर्व विधायक और मतलब तत्कालीन विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव लड़ रहे हैं, उनके बड़े सुपुत्र जो है पूर्व PCC प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो क्या फायदा मिलेगा उनको? और बताया जा रहा है कि जो सुभाष यादव जी की छवि है और सचिन यादव के जो कार्य हैं खारक डैम वगैरह इनको लेकर, वो उनको प्लस बता रहे हैं वहां से। देखिए भाजपा के लिए मुश्किल है उस सीट पर, यह बताया जा रहा है संभावना। सुभाष यादव जी का अपना एक व्यक्तित्व था जी, उसी पे उनको विरासत में वो सीट मिली और 2013 में, उसके पहले 2008 में सुभाष यादव जी हारे थे, लेकिन 2013 में सचिन यादव को नया ना उनके मरणोपरांत हुआ, इस तरह से भावनात्मक लगाव की वजह से भी उनको जिताया। दूसरे चुनाव में वो अपनी जो लीड है उसको कम किया, निश्चित रूप से वहां पे भाजपा की थोड़ी कहीं ना कहीं चूक रह गई, नहीं तो वो 2018 में ही हार जाती। लेकिन इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी है कार्यकर्ताओं ने, पूरे मनोयोग से सारे लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़े हैं और सचिन यादव जी की ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, वो जोड़ तोड़ करके चुनाव जीतते रहे हैं, पिछला चुनाव भी जोड़ तोड़ से जीते हैं और इस बार भी जोड़ तोड़ के उन्होंने प्रयास किए हैं, लेकिन इस बार उनके जोड़ तोड़ वो चलने वाले नहीं है, क्योंकि वो जिसको अपना वोट बैंक खास मानते हैं वहां से भी काफी लोग, मतलब काफी संख्या में युवा लोग उनसे नाराज है और अब उनका भी कोई गढ़ ऐसा बचा नहीं है, क्योंकि सारे लोग जो भ्रम में उनको वोटिंग कर रहे थे उनके भ्रम टूट गए हैं, उनको लग रहा है कि विकास कौन कर रहा है, विकास का दृष्टिकोण किनके पास है। तो निश्चित रूप से कसरावद विधानसभा
मेरी बात नोट कर लीजिए, आत्माराम पटेल जी अच्छे बहुमत अच्छे वोटों से जीत रहे। डॉक्टर साहब, ओम भाई का ये कहना है कि कसराल विधानसभा सीट पर जो पूर्व कृषि मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के सचिन यादव, उनकी पकड़ इस बार ढीली होगी, कहीं मतदाता छिटक के भाजपा की ओर आएंगे, क्या लगता है आप? नहीं, भैया का कहना ठीक है, अपनी जगह उनका आकलन है। पिछली बार इसमें बहुत हजार हजार फासला है, इस बार तो क्या है कि अरुण भाई पहले वहां बुधनी चुनाव लड़ लिए थे तो कई लोग उनके साथ में चले गए थे, अभी पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ बैठी है, अरुण भाई भी मैक्सिमम समय यहीं रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर व्यक्ति कार्यकर्ता मौजूद था, हर क्षेत्र में पहुंच गए वो, और इतना शानदार तरीके से चुनाव लड़ा है उनने कि लीड कई गुना बढ़ेगी, और युवाओं में बहुत अच्छा क्रेज है उनका, सचिन भाई का, युवाओं के उन बच्चों के साथ में जाके क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, उनके साथ में जो भी है शामिल हो जाते हैं हर प्रोग्राम में, इवन डांस करना, आदिवासी डांस कितने बता दूं मैं आपको, हमारे समाज के लोगों में शादी में जाते हैं और अच्छे क्रिकेटर भी हैं, है ना, क्रिकेटर भी अच्छे हैं, डांस भी अच्छा कर लेते हैं, आदिवासी डांस करते हैं, तो जीत रहे हैं पक्का, उसमें कोई दोमत नहीं, भैया का आकलन अपनी जगह है, लेकिन पिछली बार जैसे काफी लोग निकल गए थे, अरुण भाई के साथ में बुधनी चले गए थे, कोई नहीं गया इस बार, सब यही है, हर व्यक्ति डटा रहा और अच्छे खासे होते हैं, उसको झंझट ही नहीं। तो वही देखना है कि कसराल सीट पे इस बार सचिन यादव छक्का मारते हैं और उनका डांस कितना मतदाता पसंद करते हैं, ये कुछ ही घंटों बाद जब करना शुरू हो एकदम घुले मिले हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं जाएगा। बड़वा विधानसभा सीट की हम बात करें तो वहां पे जो कांग्रेस के टिकट पे जीत के आए थे सचिन बिरला वर्तमान विधायक, वो बाद में कांग्रेस से छिटक के भाजपा में चले गए और आप भी भाजपा के टिकट पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो माना ये जा रहा है वहां पे कि कुछ कांग्रेस के जो लोग थे जो मतदाता थे वो भी छिटक के भाजपा की ओर गए, तो इससे तो उनको फायदा वहां पे दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, उधर से रिवर्स भी चलता है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सचिन ने जब एक राजपूत को टिकट दिया था उस टाइम में निर्दलीय लड़के उनको हरा दिया है ना, दूसरे चुनाव में फिर इनको टिकट दे दिया और वो जीत गए, और तीसरे चुनाव में अभी जब आए हैं दोनों गुजर हैं, दोनों पटेल जी भी गुजर, तो वो राजपूत समाज का जो है वो जो बीजेपी समर्थित थे समर्पित कार्यकर्ता थे, वो मेरे ख्याल से उस कंडीशन में नहीं है अभी फिलहाल, और नरेंद्र पटेल जो है बहुत पुराना व्यक्ति है, हमेशा पार्टी काम करते रहा और कोई एरोगेंट काम नहीं उनका, शालीनता से काम करने की छवि रही है उनकी, और उनके जो काका थे वो भी सांसद और विधायक और सभी रह चुके हैं, तो वेल नोन पर्सनैलिटी है, और इस हिसाब से गुजर वोट इनके तरफ ज्यादा है, वो बिक गए उसके हिसाब से भी सोचा है कि नहीं यार वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर लेता है तो आगे चल के भी कुछ करने लग जाए, तो अब हो गया बहुत बार एक बार, तो वो कंडीशन नहीं आएगी, और वही एक बड़ा फैक्टर है कि दूसरों के साथ में कैसा व्यवहार किया और अब पार्टी बदल के क्या कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र भाई जीत रहे आराम से। तो आपको क्या लगता है बड़वा सीट पे भाजपा के जो मतदाता है वो कांग्रेस से छिटक के आए कैंडिडेट को स्वीकार करेंगे पूरी तरह से? नहीं नहीं, बिल्कुल स्वीकार करेंगे, उसकी एक वजह है कि वो 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़े और काफी अच्छे वोट लेकर आए, दूसरे नंबर पर उनकी पोजीशन रही, और उससे एक ये लगता है कि भाई व्यक्ति के अंदर एक राजनीति की एक विकास की क्षेत्र को लेके छटपटाहट सी है। 2018 में वो जरूर कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस में रहने के बाद भी जब वो सरकार 15 महीने रही और उन 15 महीनों में भी उन्होंने जो सोचा था वैसे कुछ हुआ नहीं उनके क्षेत्र के लिए, और जब आगे जाके सरकार बदल गई तो उनको ये लगा कि मेरा इस तरह से मतलब समय तो निकल जाएगा, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना ठीक समझा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनको स्वीकार लिया है, और निश्चित रूप से वहाँ जो सर जैसे डॉक्टर साहब ने जो बताया कि ऐसा कोई कि राजपूत मतदाता या ये सारे जो भारतीय जनता पार्टी का कोर होता है, कार्यकर्ता है, संगठन है, नेता है, सब कोई उनके साथ है, और निश्चित रूप से वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपको ये तो लगभग दो तरह के जो सर्वे आए हैं, दोनों सर्वे में बढ़वा चुनाव को निश्चित रूप से जो मतलब उसको बढ़वा की सीट को दोनों ने दिया है। मैं हम चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आप बताया कि कांग्रेस और भाजपा प्रदेश में किसकी सरकार होगी इसका इसके निमाड़ की सीटें एक बड़ा निर्णय देती हैं उसको लेकर के, ये दोनों ही दलों के लिए मुख्य सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं जो संख्या बल है
सत्ता को पाने के लिए, उसमें ये बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है, जो पिछली बार कांग्रेस के पक्ष में किया। अब इस बार भाजपा को कितना मतदाता पसंद करते हैं, कांग्रेस का कितना साथ वो बने रहते हैं, ये मतगणना के बाद ही पता चलेगा। अब सीट रह जाती है खरगोन की। खरगोन की सीट इस बार जो कांग्रेस के विधायक थे, हालांकि वो धार्मिक कार्यक्रमों में देखे जाते रहे अपनी भागीदारी को लेकर, लेकिन इस बार पूरे भगवा रंग में रंग गया है। इस बार वो सनातन ही दिखे यहाँ पे। यार पैदाइशी ब्राह्मण आदमी थे रे, उनके पिताजी वगैरह सब पूरे जाना माना परिवार है, उसमें क्या है उसको कोई। तो एक जो कांग्रेसी सोच है और जो हमारा संविधान बोलता है सभी का मान सम्मान करना, उसके हिसाब से चलने वाले व्यक्ति है, अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं और संविधान का पालन करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। आम पब्लिक के साथ में कितना अच्छा व्यवहार है सब जानते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हम एक चीज देखें कि हम 5 साल का उनका कार्यकाल देखते हैं, तो 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई माइलस्टोन नजर नहीं आता जो उन्होंने विधायक रहते हुए किया हो। पार्टी की समस्या ना, सरकार दूसरी अपोजिट मतलब पार्टी की थी 17 महीने या 16 महीने उस टाइम पे उनका बड़ा प्रोजेक्ट था। सबसे कम कर्ज माफी खरगोन जिले में हुई, उसका कारण क्या था कि उनने एक बड़ा सोच के रखा था, उनकी इतनी थी कि एक बार में सब साफ करेंगे और कुछ नई घोषणाएं करवाने के मूड में थे, इसी बीच में सरकार चली गई तो वो धोखे में रह गए। वो नहीं तो उनका जब जो टारगेट था वो टारगेट बहुत आगे का था, है ना। और अब इतना मिलनसार और इतना अच्छा आदमी, यदि ऐसे व्यक्ति भी यदि चुनाव पब्लिक उसको साथ नहीं दे, धार्मिकता के हिसाब से सोचो, एक संविधान के हिसाब से सोचो, किसी भी हिसाब से सोचो, हर काम करने वाले व्यक्ति को यदि इसको भी वोट नहीं दे तो फिर कैसा नेता चाहिए, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आपकी इन बातों से तो मैं मतलब एग्री हूँ कि वो आम जनता से उनका कांटेक्ट सीधा सीधा रहा, सीधे मिलते थे। लेकिन हम आपने बताया कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था कि यहाँ के किसानों को जो कर्ज माफी है उनके नाम शामिल किए जाए, लेकिन किसी कारण से कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को लाने वाले थे और उनके द्वारा घोषित करवाना चाहते थे और उसमें नए वो लेना चाहते थे, इसमें उन्हें थोड़ी देर कर दी, बस ये उनकी समस्या रही, है ना। वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार था, मैं तो खुद साथ में इन्वॉल्व था ना, देखा मैंने, और सचिन भाई ने बोला भी था, तो सचिन भाई बोलेगा अपन बाद में कर लेते, ये भी बात हुई थी। क्या मानते हैं आप खरगोन पे, खरगोन सीट पे कांग्रेस की जीत श्योर है? जीत जाएंगे खरगोन प्रॉपर से, अच्छे वोट मिलेंगे उनको, देखना उनके दोस्तों ने कितनी शानदार फील्डिंग की इस बार, जो यहाँ पे लोकल लोकल के व्यक्ति हैं, लोकल के हिसाब से चले और पेरी फेरी में तो उनका वर्चस्व है ही। ओम जी, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, पूर्व श्रम एवं कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, उनके साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि वो जब चुनाव जीत जाते हैं, हार जाते हैं, कुछ भी हो, वो अपनी जीन में बैठते हैं। एक आम मतदाता को उनसे मिलने जाना है तो 4 किलोमीटर का सफर उसको अपने वाहन से या 2 टांगों पे तय करना पड़ता है। क्या पार्टी इन चीजों को नहीं देखती है कि प्रतिनिधि जो है नागरिक के पास जाए, मतदाता के पास जाए? और इस बार चुनाव में भी ये चर्चा रही, नतीजे क्या होंगे हम उन चीजों को एक तरफ रखते हैं, लेकिन एक मतदाता से, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया और ये चीजें देखी गई है कि रवि जोशी जो कांग्रेस के विधायक रहे वो आम जनता के काफी करीब रहे, उनसे सीधा कांटेक्ट था, लेकिन पिछली बार भी ये इस चीज को लेकर के उनका ऑफिस को लेकर के चर्चा रही, इस बार भी रही। तो और भाजपा के पास तो खैर हिंदुत्व का मुद्दा रहा ही, इस बार दंगों का भी वो फायदा उनको वो कह रहे हैं कि मिलेगा। क्या लगता है आपको, क्या परिणाम आएंगे और क्या ये जो चीजें मैंने बताई इनमें कोई परिवर्तन आएंगे? नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने लगभग सभी के लिए ये बातचीत करी कि वो मिलनसार है, सरल है, सहजता से उपलब्ध है, लेकिन केवल इतनी बातों से नहीं। डॉक्टर साहब बालकृष्ण पाटीदार जी भी सहजता से उपलब्ध है, नहीं नहीं वो भी मिलनसार है, लेकिन उनसे मिलने जाना पड़ता है, वो मिलने नहीं आते। नहीं, इसी को केवल हम एक विजन वाला नेता नहीं मान सकते हैं, उसके अलावा भी उसकी सोच में डेवलपमेंट की योजनाएं उसके दिमाग में है और वो करने की इच्छा रखते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी ये वाली एक बात हो सकती है, तो उसका भी करेक्शन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर रवि जोशी जी को विधायक बनाने के बाद लोगों को ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि एक कोई ऐसा विजन लेके उन्होंने 15 महीने में ही वो समझ में आता, केवल जैसे डॉक्टर ने कहा कि कर्ज माफी करने वाले थे, उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट करा था, तो केवल कर्ज माफी के प्रोजेक्ट की बात नहीं थी, उसके अलावा अन्य बातें भी थी। अब उसको वो नागलवाड़ी योजना को अपने उसमें जोड़ते हैं दिखाते में, अन्य उद्वहन सिंचाई को अपने खाते में जोड़ते हैं, बिस्तान वाली को अपने, तो वो नागलवाड़ी वाली 2018 के विधानसभा के पहले कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत हुई थी, बिस्तान की
परियोजना भी पहले स्वीकृत हुई थी, तो ऐसा कोई लैंडमार्क उनके चुकी है तो और अन्य अन्य क्षेत्रों में है, कुछ भूमि खरगोन विधानसभा की उससे सिंचित हो रही है, लेकिन हम यदि देखें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद खरगोन में हर तरह का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें कुछ कमी भी है कुछ रह भी गई है, तो उसका एक भूमिका तैयार हो गई है, उसकी नींव तैयार हो गई है, और निश्चित रूप से खरगोन में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और पूरे के पूरे 6 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मध्य प्रदेश की जो सरकार बनेगी उसमें एक प्रमुख भूमिका खरगोन जिले की होगी। चर्चा के दौरान दोनों ही ओर से ये दावे किए गए कि खरगोन जिले की जो सीटें हैं 6 की 6 सीटें कांग्रेस या भाजपा के पक्ष में जाएंगी, एक तरफा ये इसके नतीजे आएंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि इस बार टक्कर तो नेक टू नेक है लेकिन संभावनाएं एक तरफा की नजर नहीं आ रही है। यही परिदृश्य जो है भोपाल प्रादेशिक स्तर पर भी नजर आ रहा है और खरगोन की 6 विधानसभा सीटों को लेकर भी। आज की चर्चा में डॉक्टर साहब डॉक्टर गोविंद सिंह गुजालदा जी हमारे साथ शामिल हुए कांग्रेस की ओर से, भाजपा की ओर से भाई ओम प्रकाश जी पाटीदार सम्मिलित हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम अपने कार्यक्रम में आपको बुलाते रहेंगे, धन्यवाद आपका धन्यवाद। कुछ ही घंटों बाद मतगणना के क्या नतीजे होंगे ये प्रदेश के सभी नागरिकों के सामने होंगे, कौन चुना गया और आगे भविष्य में वो इस प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए क्या रोडमैप बनाएगा क्या करेगा, इन चीजों से भी आप रूबरू हो पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में इंतजार है मतगणना का, जैसे ही मतगणना शुरू होगी SW24 न्यूज पर सुबह 7 बजे से हम आपको ताजा अपडेट के लिए अपने साथ ले चलेंगे, तो 3 दिसंबर को आप कहीं जाइएगा नहीं, मौजूद रहिएगा SW24 न्यूज मध्य प्रदेश की लिंक पर ताजा मतगणना के अपडेट जानने के लिए। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, अब हम मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।